हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। ये 1 किलो चिकन है, इसको मैं साफ कर ली हूँ अच्छी तरह से। अब दोस्तों इसमें नमक पड़ेगा छोटे चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पड़ेगा आधा चम्मच, अब इसमें नींबू पड़ेगा थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी मिल चुका है अच्छी तरह, अब इसको 10 मिनट तक रख दूंगी, तब तक मैं मसाला तैयार कर लूंगी चिकन का। दोस्तों 1 किलो चिकन में ये 6 छोटी इलायची, 10 से 15 लौंग, 1 छोटा चम्मच पोस्तक दाना, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, 1 बड़ा चम्मच खड़ा जीरा, इतना बड़ा टुकड़ा जायफल, 7 से 8 लाल मिर्च, ये दालचीनी इतना टुकड़ा, 4 बड़ी इलायची, ये जावित्री, 7 चीज को मैं एक ही में मिक्स करके इसको थोड़ा सा गर्म कर लूंगी गैस पर। गर्म करने से इसका नमी खत्म हो जाता है और अच्छी तरह से मसाला पिसा जाता है। फिर सब मसाले को मिक्स करके इसको मैं दरदरा पीस लूंगी। अब मैं सब मसाले को मिक्सर में निकाल ली हूँ। तो दोस्तों ये मसाला हमने दरदरा पीस लिया है सब मिक्स करके एक ही में। चिकन बनाने के लिए, तड़का देने के लिए मैंने 4 खड़ा लहसुन छील लिया है, 2 ये है 2 ये है, और प्याज हमने 1 काट ली हूँ, और ये अदरक है इतना बड़ा टुकड़ा, टमाटर पड़ेगा इतना बड़ा, और तेज पत्ते से भी तड़का लगेगा, और खड़ा जीरा भी पड़ेगा। अब मिक्सर में ये अदरक डालूंगी और 1 प्याज डालूंगी जो काट ली थी तड़का के लिए, और ये 2 खड़ा कली लहसुन छील के डालूंगी। इसको भी दरदरा बना लेना है तड़के के लिए, इस तरह का ऐसे दरदरा बना लेना है। 1 किलो चिकन में 1 किलो प्याज भी काट ली हूँ, ज़्यादा प्याज डालने से ग्रेवी अच्छा होता है। कुकर गर्म हो चुका है, अब इसमें तेल डालूंगी, एक किलो चिकन में 200 से 250 ग्राम तेल पड़ेगा। अब तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें तड़के के लिए जीरा डालूंगी, तेज पत्ता डालूंगी, और ये कली वाला लहसुन डालूंगी। अरे हींग डालूंगी, अब इन सब को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। लहसुन ब्राउन कलर हो चुका है, अब इसमें प्याज पड़ेगा, इसको अच्छी तरह चला चला करके भून लेना है।
प्याज आधा गल चुका है, प्याज गलने में थोड़ा समय लगता है। अभी और इसको चला करके ढक दूंगी। अब प्याज जो है तेल छोड़ रहा है, प्याज भी भुना चुका है। जब प्याज तेल छोड़ दे अच्छी तरह, ये पहले मैं मिक्सर में दरदरा करके रख ली थी, अब उसको डालूंगी। और इसको भी प्याज के साथ थोड़ी देर तक गला लेना है और भून लेना है। अब इसमें जो टमाटर था बड़ा साइज का, अब काट कर टमाटर वो पड़ेगा, ये भी इसी में प्याज के साथ गल जाएगा। अब कुकर में प्याज पकड़ने लगा है, अब इसमें चिकन पड़ेगा। अब इसको डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको 2 मिनट तक तेज आंच पर ढक दूंगी। अब इसमें जो मसाला दरदरा पीस ली थी, अब उसको डालूंगी। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि पहले मैंने मुर्गे में मिला ली थी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसको मीडियम आंच पर 5 मिनट तक ढक दूंगी। अब 5 मिनट हो गया मीडियम आंच पर। अब देखिए मटन प्याज सब तेल छोड़ दिया है। अब इसमें पड़ेगा शाही जीरा कूटा हुआ, कश्मीरी लाल मिर्च, अभी सबको मिक्स कर लेना है। अब इसको थोड़ा तेज आंच कर दूंगी। इसमें हल्का सा पानी डाल दूंगी। जो लहसुन कूटी थी, जो कटोरी में लगा था, वो पानी हमने खंगाल करके डाल दिया है। अब इसको 2 मिनट तक ऐसे तेज आंच पर और पकाऊंगी। चला चला कर पकाना है, नहीं पकड़ लेगा। अब हल्का हल्का सूजी पकड़ रहा है बर्तन में। अब इसमें पानी डालूंगी
अगर आप लोग को पानी नहीं डालना है तो ऐसे ही हल्के आंच पर पका करके आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमको पानी डाल करके ग्रेवी को बढ़ाना है। अब इसको ढक करके दो सीटी लगा लूंगी, क्योंकि मुर्गे में ज़्यादा सीटी नहीं लगाया जाता है। दोस्तों दो सीटी लगकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना मस्त टेस्टी चिकन बना है। दोस्तों इस चिकन पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोग इस तरीके का चिकन बनाकर जरूर खाइएगा। एकदम टेस्टी और मस्त हुआ है। खाइएगा, मस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।